आज हम बनाने वाले हैं रवा इडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियन, कैप्सिकम, गार्लिक, जिंजर और कड़ी लीव्स ली हैं। सारे वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद आप एक कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने दीजिए। फिर उसमें राई सीड्स ऐड कीजिए, जीरा सीड्स एंड कड़ी लीव्स। ये सभी को अपने फ्लेवर तेल में मिक्स होने दीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें अनियन, कैप्सिकम, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ हैं। अब इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने दे देंगे, ज़्यादा भी नहीं, पिंकिश रहने देंगे थोड़ा। अब इसमें हम अपना सूजी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूंज लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बाउल सूजी ऐड किया है। आप देख सकते हैं सूजी हमारा अच्छे से भुंज गया है और अच्छे से पक गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने नमक ऐड करना भूल गई थी, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कर्ड ऐड किया है। कर्ड ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से एक लिक्विडी पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक के लिए हम अपने इडली वाले बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सारे बर्तन ग्रीस होने के बाद अब हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे। तो ये रेसिपी बहुत इजी है और आप कभी भी खा सकते हैं इसे, और बहुत हेल्दी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक और मिक्सचर रेडी किया था विदाउट कर्ड का, क्योंकि बहुत लोग कर्ड नहीं खाते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो दोनों इडली मिक्स ना हो इसलिए मैंने उसके ऊपर कड़ी लीव्स डाल दिए थे। अब सब रेडी है, तो अब हम इसको एक के ऊपर एक प्लेट इनके रख देंगे और जो होल्स हैं वो एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में मैंने थोड़ा हॉट वाटर डाला था, ऐड किया था। अब हम इसको ढक के रेडी होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चटनी रेडी की है इडली के साथ खाने के लिए। ये मूँगफली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो चलिए अब अपनी इडली की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी इडली रेडी है पूरी। अब मैं इनको एक स्पून से अच्छे से निकाल लूँगी। तो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है सर्व करने के लिए और खाने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।